बाइक गिर गया यार। चाइना से होके भूटान से और वेस्ट बंगाल से। अरे इतना अच्छा मौसम है, राइड करने का एकदम सुहाना। ये है इंडिया, ये है भूटान। बोलो आई लव इंडिया। यस। ये क्या चीज है? हम जाने वाले बशा का एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, आई होप आप इंजॉय करेंगे। आज का राइड अराउंड 70 किलोमीटर। फुल रेडी होके बैक पैक लगा के लेट्स गो, चलते हैं रोड पे। और राइड के पहले दिन हम लोगों को बात हुआ था कि हम 6 बजे निकलेंगे, तो रात को ही कॉल किया, मतलब सुबह ही कॉल किया था कि 5 बजे निकलना पड़ेगा, तो 5 बजे हम निकल चुके थे। रोड में एक भैया भी मिल गया था, पूछताछ कर रहे थे कहाँ जा रहे हो, तो अभी तक दोस्त लोग तैयार भी नहीं हुए थे, तो इस टाइम हम 30 मिनट तक वैसे ही रहे तैयार होके, पाम पाम लगा के सब कुछ रेडी होके फिर स्टार्ट किया राइड अराउंड 6 AM। तो हम लोग निकल चुके थे 6 AM में। हम लोग रोड पे निकल चुके हैं। ये ढाबा अच्छा है, यहाँ पर आप लोग आ सकते हो, खा सकते हो। वैसे यहाँ से स्टार्ट होता है जंगल। हम लोगों को 2 या 3 जंगल पार करना पड़ेगा, ये पार्ट ऑफ चलना पड़ा। हम लोग इंटर कर चुके हैं मदरी हाट में, ये है स्कूल एंड देन स्टेट। वो रोड भी जा सकते हो, वो रोड भी नहीं गया, सीधा जाएंगे पुल एंड वो फिर से आ गया हम लोग वही मेन रोड पे। गाड़ी भी देखते हो इतना तेज चल रहा है क्योंकि यह नेशनल हाईवे है। मेरा दोस्त पता नहीं पीछे कहाँ गुम हो गया, शायद उसका कोई टिकट का प्रॉब्लम हो गया, आई भी नहीं दे रहा। क्या हुआ था, क्या चेन गिर गया था मेरा चेन? अरे यार आई थिंक यहाँ से पहुँचा का 22-25 किलोमीटर समथिंग होगा, तो फिलहाल 6 बजे अभी देखते हैं कितना टाइम में पहुँच। आई थिंक 8:30 बजे हम लोग पहुँचे हैं। तो बाइक गिर गया यहाँ पर, हाथ दिखा गिर गया यहाँ पे लगा है। ए पैन गंदा हो गया तुम्हारा। इधर हम पहुँच चुके तोरसा रिवर पे, ये आपका हो गया चाइना से होके भूटान से और वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश। बाइक को चोट लग गया, ऊपर गिर गया था थोड़ा ये चलता है, लेकिन चलता है सेक्रीफाइस। गुवाहाटी यहाँ से 340 किलोमीटर एंड जयगांव 18 किलोमीटर एंड हाँसीमठा 4 किलोमीटर, यहाँ से रोड निकलता है। और सामने 3 वे दिख रहा है, हम लोगों को जाना है लेक में। आप लोगों को दिख रही है नहीं दिख रहे पता नहीं, लेकिन हम लोग को फील हो रहा है, मतलब हल्का हल्का बारिश हो रहा है, इतना अच्छा मौसम है, राइड करने का एकदम सुहाना मौसम और रोड भी इतना शानदार है। हम ही बनेंगे एक दिन। और ये दोलचिंग पड़ा का होम टाउन है। तो अभी हम टी ब्रेक ले रुके हैं, नहा धो के आए, सही बोला। तो गाइस हम क्या क्या लिए, अमूल कूल, अमूल कूल, क्या क्या लेते हैं देखते हैं, क्या ले रहे हैं, केला भी लेंगे, केला भी। गाइस यहाँ से होता है स्टार्ट पाशा का रोड, इधर सीधा जाओगे तो जाएगा और राइड में पाशा का, हम लोग अभी राइड में जाएंगे, यहाँ से 8 किलोमीटर है।
गाइस कैन यू सी दिस प्लेस अमेजिंग मैन अमेजिंग. ये है इंडिया, ये है भूटान. अभी फॉग नहीं होता तो ज़्यादा मज़ा आता. ठीक है, वाइट शार्क. बारिश भी हो रहा है हल्का हल्का और देखो कितना शानदार मौसम है और रोड भी कितना अच्छा है. और पीछे हम लोग का दोस्त लोग वो भूटान है. वो उधर जाने के लिए अब डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं वो भी टेस्ट करना पड़ेगा, फिर वो वापस जाना पड़ेगा. वो फिलहाल तो इंटर नहीं देंगे, तो जितना हो सके पाशा कम ही घूमेंगे. और कीप वॉचिंग. तो अंकल है राजस्थान से. गाइस साइकिल अच्छा लग गया. लाइट 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 को इसको प्रेस करो, इसको प्रेस करो, ऑटोमेटिक चल जाएगा. रात के लिए आसानी हो जाता है. प्रेस करके रखो. हाँ बंद हो जाए. हाँ ये चार्ज करना पड़ता है. मोबाइल का चार्जर है ना, उसमें हो जाता है. इधर का इंडिया की भूटान. इंडिया बोलो. आई लव इंडिया. यस. तो गाइस सोचे देख रहे हैं तो सब लोग रुक चुके हैं. तो यहाँ पे बहु भैया, इधर देखो पहाड़. गाइस पहाड़ ढक चुका है, आसमान बहुत ख़राब है. गाइस ये लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं. हम कभी बाद में आएंगे फुर्सत से. अभी बहुत बहुत ही दूर जाना है, ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर जाना है अभी भी. तो इसीलिए हम आज नहीं करेंगे. यहाँ पर पर हेड 200 रुपीज़ लेता है. ये लोकेशन पिन कर दूँगा तो आप भी आ सकते हो यहाँ पर. हयाबुसा निकालो, हयाबुसा निकालो, हयाबुसा निकालो, हयाबुसा. ये रहा डुकाटी, डुकाटी पहनी गले. ये है आरसी, आरसी. और ये क्या चीज़ है? ये उक्का है अपना, हम लोग खींचते हैं ना उधर कोई. ये डेमो के लिए रखा है, डेमो के लिए गए. नाश्ता वास्ता करके हम लोग निकल चुके हैं. फ़ोटो भी क्लिक किया, वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे फॉलो फ़ोटो भी डालेंगे आज. दो तीन दिन बाद आएगा क्योंकि फिलहाल एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, वो डालना पड़ेगा. फिर ये करेंगे तो उसका लिंक भी दे दूँगा मैं. गाइस फिर से हम वही ओवर ब्रिज पर आ चुके हैं. बड़ा ना करते हुए हम लोग ब्लॉग को यही पर रीन करते हैं. कीप पेडलिंग एंड सेफ ड्राइव. हेलमेट जरूर लगाना एंड अच्छे से रहना. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय.